स्वागत है आपका 4TV न्यूज़ में। मैं हूँ खुर्शीद आलम। आज तारीखी शहर बीजापुर के जामिया मस्जिद रोड का सीसी रोड का उद्घाटन बीजापुर नगर शासक बसनगौड़ा पाटिल MLA जी ने जो है आज यहाँ इसका उद्घाटन किया, गुदली पूजा किया और ये काम जो है पूरा अताउल्ला चौक से हकीम चौक तक पूरा सीसी रोड पर बनाया जाएगा और ये कल ये काम की शुरुआत होगी। तो अभी भी इसकी जो है भूमि पूजा हो चुकी है। उनके साथ जो है रफीक काने, सोशल वर्कर रफीक काने और किरण पाटिल भी यहाँ पर मौजूद थे। सर, कुछ लोगों का चैलेंज था कि जामिया मस्जिद रोड MLA साहब के परेड में होगा ही नहीं। नहीं होगा बोल के ऐसा ही रहते हो। हमको क्या गारंटी था होगा बोल के? आप क्या कहना चाहेंगे? पूरा बीजापुर शहर डेवलपमेंट हो जाएगा जी। एक गली, एक मोहल्ला कोई भी नहीं छोड़ेंगे। सभी ड्रेनेज, पीने का पानी का 24x7 और सीमेंट रोड और 26,000 LED बल्ब डाल रहे बीजापुर सिटी को। सभी जो अभी ट्यूबलाइट की प्लेट जो है वो हाई मास्क सभी निकाल के 26,000 लाइट हम चेंज कर रहे हैं। बीजापुर सिटी का टेंडर हो गया है। पूरे सिटी इडी कर्नाटक में स्मार्ट सिटी हो जाएगा। ओके, थैंक यू। तो बहुत दिनों के बाद जो है जामिया मस्जिद को रोड भाग्य मिला है और काफ़ी कशमकश और जद्दोजहद से यहाँ के लोग चलते फिरते तकलीफ़ उठा रहे थे और आज यहाँ पर उसका गुदली पूजा यानी इनॉग्रेशन किया है MLA बसनगौड़ा पाटिल जी ने। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं सोशल वर्कर उद्यमी रफीक काने जी। रफीक काने सर, आप क्या कहेंगे इस रोड को भाग्य मिला है? ये जामिया मस्जिद के रोड के बारे में मैं चाहता हूँ, इलेक्शन जैसा कब आएगा, 5 साल के अंदर कब इलेक्शन आने के टाइम में ये काम चलते रहता है जी। ये गुदली पूजा करे, वो पूजा करे, वैसा पूजा करे, ये जामिया मस्जिद का रोड बोले तो ये बीजापुर का हार्ट ऑफ सिटी रहे जैसा है जी। इसके हालत के अंदर अभी जो भी हो रहा काम थोड़ा जल्दी जल्दी कर को रमज़ान के महीने में थोड़ा जल्दी करे तो अच्छा लगेगा जी। और दूसरी बात बोल रहा हूँ, वाटर बोर्ड के ऑफिसर सर्टिफिकेट ले रही हूँ MLA की तरफ से जी। क्या कर को ले रही हैं? काम ख़त्म हुआ सर, वाटर बोर्ड का 24 घंटे का काम का 24 आवर्स का पानी का ऑलरेडी मैं दिया है। 24 नंबर वार्ड में, 28 नंबर वार्ड में, 19 नंबर वार्ड, 20 नंबर वार्ड, 25 नंबर वार्ड, 26 नंबर वार्ड, ये अभी तक थोड़े 70% काम खत्म हुआ, 30% काम अभी नहीं हुआ। अभी पानी नहीं आया, 15 दिन के एक बार पानी आ रहे। कौन भी एक नेता भी कौन भी बात भी नहीं कर रहा है बसनगौड़ा को। बसनगौड़ा बोले तो ये 24 आवर्स आगे तड़पा करके बोलते हैं। क्या बोलना है अभी, क्या ठेर को क्या भूम मारना है उसके सामने? अभी MLA है, उसका ख्याल करना है। बसनगौड़ा जरा डिस्कस करना कैसा है। मैं उनके घर को जाको पहुंचा, इनके घर को जाको मिला, वो नहीं होने वाला है। आज की हालत पानी है, धूप का टाइम है, धूपकाल के टाइम में पानी का बहुत ज़रूर है। 15 दिन के एक बार, 12 दिन के एक बार वाटर बोर्ड ऑफिसर बोलेगा साहब मेरा 24 आवर्स का पानी खत्म, ये काम खत्म हो गया। ये सर्टिफिकेट लेने के लिए गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसका क्या बोलते हैं कन्नड़ में, कई गोम्बे केलसा मोड़ो अंत अधिकारी नमल दार। इंता परिस्थिति ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರ ಸಿಟಿ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ಕೆಲವೊಂದು ವಾರ್ಡ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೆಲಸನೂ ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ಪೂರ್ಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಗಿಲ್ಲ. 25-30 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಯಾವ ರೋಡೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತೂ ಭಾಳ ಅದ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ದವ್ರದಿಂದ ನಾವು ಫೈಟ್ ಮಾಡಿ ನೀರು ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅದ. ಆ MLA ಕೊಟ್ಟದಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಅದ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 0 ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇವಾಗಲೂ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ SP ಇಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು, ಅವ್ರು ವಾಟರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅವರು ಆವಾಗ
हतने मार्च ना 24/7 को आश्वासन एस पी और को सर एस पी मैडम आलरेडी नमल्ली बंद विजिट आश्वासने रईटिंग केतर आ रईटिंग नान को सो मोटो केस नान हिंदे मुंदे सर या अधिकारी मेले ऐन अद्वान नन गोत नानते नान एम एल ए केलो आर केलो ननू संबंध एम एल ए सरी होम एल ए सरी हो कॉर्पोरेशन ऐन ना जामिया मस्जिद रोड अताउल्ला चौक से हकीम चौक तो जो है सी सी रोड का जो उद्घाटन हुआ है एम एल ए बसनगौड़ा पाटिल किरण पाटिल और उद्यमी रफीक काने और यहाँ के तमाम लोग मिलकर आज जो है इसका चालन किए उद्घाटन किए सी सी रोड का। और हमारे एक सवाल के जवाब में बसनगौड़ा पाटिल एमएलए जी ने कहा है कि इस रोड को ही नहीं बल्कि बीजापुर को जो है एक स्मार्ट सिटी बनाएंगे और एलईडी बल्ब्स लगाएंगे, हर तरह की सहूलत देंगे, 24/7 पानी देंगे। ये आश्वासन के साथ उन्होंने यहाँ के लोगों को भी आश्वासन दिया है और हमें भी बताया है कि बहुत जल्द से जल्द जो है बीजापुर सिटी जो है एक स्मार्ट सिटी बनेगा। अब देखना बाकी है कि ये बीजापुर सिटी स्मार्ट सिटी कब बनेगा, कैसे बनेगा, कौन बनाएगा, ये एक मिलियन डॉलर क्वेश्चन बना हुआ है बीजापुर के लोगों के लिए। कैमरामैन सुफियान के साथ मैं खुर्शीद आलम, 4TV न्यूज़ बीजापुर। बीजापुर में समंदरी मछलियाँ सी फिश मार्ट। बीजापुर में मछली खाने वाले शौकीन लोगों के लिए जैसे समंदरी मछलियों की अनेक वैरायटीज एक ही दुकान में, देर किस बात की, अताउल्ला चौक JM रोड बीजापुर, आज ही संपर्क करें।